मधेपुरा के पुरैनी में बीते एक सप्ताह से प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने की अफवाहों से प्रखंड का राजनीतिक तापमान सप्ताह भर से काफी गर्म था। वहीं बुधवार को प्रखंड प्रमुख सविता कुमारी एवं उप प्रमुख गुलजार आलम के साथ पांच अन्य पंचायत समिति सदस्य प्रखंड कार्यालय पहुंचकर इन अफवाहों से पर्दा हटाते हुए बीडीओ वीरेंद्र कुमार के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कहा कि प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख पर कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया गया है। जो अफवाह उड़ा था अविश्वास प्रस्ताव का, वो सरासर गलत था, क्योंकि हमारे सभी समिति आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष सभी आदमी खड़े उपस्थित हुए हैं और सभी ने हस्ताक्षर भी किया है। कितने समिति सदस्य आपके साथ हैं? कुल सात हैं। एक और है तो वो अभी नहीं है, काम से बाहर गए, लेकिन वो भी हमारे साथ है। रैनी में कुल 12 सदस्यों में से प्रमुख सहित सात सदस्यों ने वर्तमान प्रखंड प्रमुख सविता कुमारी तथा गुलजार आलम के नेतृत्व में शेष समय के लिए समर्थन देने का वादा किया है। उन्होंने ऐसा कमिटमेंट किया है कि हम लोग सर्वसम्मति से इन पर विश्वास जताते हैं और किसी तरह की अविश्वास का कोई सवाल नहीं होता है। इस तरीके से वर्तमान प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख से समय के लिए बने रहेंगे। उन्होंने अपना कमिटमेंट और हस्ताक्षर के साथ अपना प्रतिवेदन दिया है। सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और यहाँ आने के लिए एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए साथ बन जाते हैं। धन्यवाद।